बताओ। थैंक यू वेरी मच। तो टाइम फ्रीडम है यहां, मनी फ्रीडम है, यस या नो? दो लाख पर वीक का, अभी रिटेल में आके 50 लाख महीने, 1 करोड़ महीने का बिजनेस हो गया है, मनी फ्रीडम है। अब सोच हमें बनानी है कि हमें चाहिए कितना। ये समुंदर है, यहां चम्मच लेके जाएंगे चम्मच भर के लाएंगे, गड़ा लेके जाएंगे गड़ा भर के लाएंगे, बाल्टी लेके जाएंगे बाल्टी भर के लाएंगे, ड्रम लेके जाएंगे ड्रम भर के लाएंगे, टैंकर लेके जाएंगे तो टैंकर भर के लाएंगे, और एक बार पाइपलाइन दबा दी ढंग से तो ठूटी खोलोगे तभी पैसा आएगा। यह है ये काम, पूरा मनी फ्रीडम है। फॉरेन ट्रिप का एंजॉय कर सकते हैं हम, लगता है आपको? Yes. आपको लगता है? बहुत सारे लोग गए हुए हैं यहां। Yes. कर सकते हैं हम, हेल्पिंग अदर, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। आज हम यहां पर खड़े हैं, हमारी किसी ने हेल्प की थी, हम यहां पर हैं, आप यहां पर हैं, आपके किसी ने हेल्प की है, जिस भी लेवल पर आप हैं, एक दूसरे की हेल्प करके यहां पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। वरना मार्केट में कौन सा काम है जहां पर एक दूसरे की हेल्प की जाती है? है क्या कोई? ना, दूसरे की टांग खींच के खुद आगे बढ़ा जाता है, कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन ये काम डिजाइन कितना इस हिसाब से है, कितना बढ़िया है कि भाई साहब लोगों को आगे बढ़ाओ, अपनी चिंता करो ही मत, हेल्पिंग अदर, एक दूसरे की सहायता की जाती है। एजुकेशन सिस्टम इज वेरी वेल एंड स्ट्रॉन्ग। एजुकेशन सिस्टम जो यहां का है वो कितना शानदार है, कितना मजबूत है, ये आपको लगता है कि नहीं लगता है बताइए मुझे आप। अरे घर में एक आदमी से बात करना नहीं आता था, सेल्स की उन सी चिड़िया का नाम है ये नहीं पता था, 5 लोगों से कैसे बात करनी है ये नहीं पता था, लोक व्यवहार क्या होता है ये नहीं पता था, लीडरशिप क्या होती है ये हमें नहीं पता था। लेकिन कितना मजबूत सिस्टम है, जहां आने के बाद लगातार समय देने के बाद और ये सारी चीजें हमें यहां मिल जाती है, इतनी बड़ी एजुकेशन मिल जाती है, जहां लोग मार्केट में लाखों रुपया इस एजुकेशन के लिए खर्च करते हैं, सिर्फ आदमी यहां अपना जीवन बदलने के लिए, पैसा कमाने के लिए 4 साल देता है, साथ में इतनी बड़ी एजुकेशन को लेकर निकल लेता है कि जहां भी मार्केट में बैठेगा एक अलग छाप छोड़ देगा वो, इतनी बड़ी एजुकेशन है। This is extraordinary काम, ये extraordinary काम है, लगता है कि नहीं लगता है बताइए मुझे आप। मैं सब सोचता था, इस बिजनेस में आया था तो मैं सोचता था कि यार मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरे समाज में, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे यार दोस्तों में मेरे को अलग पहचान मिले। हर आदमी चाहता है कि नहीं चाहता है? Yes. अलग पहचान मिले। अरे अलग पहचान के लिए लोग मर्डर तक कर देते हैं, है? अब वो हमारे बस की तो था नहीं, तो मन की अलग पहचान कैसे मिल सकती है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, इसमें मुझे लगा कि अलग पहचान मिल सकती है। मैंने सोचा नौकरी करूंगा, पहले ही 50 कर रहे थे, तू करेगा तो 51 हो जाएंगे और क्या होगा, यस या नो? तो जो भी मैंने सोचा, मार्केट में बिजनेस डालूंगा, ऑलरेडी बहुत लोग मार्केट में डाल के बैठे हैं, तू भी डाल गया तो क्या होगा, कुछ नहीं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने का मौका आपके पास है, इस अपॉर्चुनिटी में काम करके आप एक अलग पहचान बना सकते हो, 4 साल में सक्सेस ले सकते हो, 40 साल की सक्सेस 4 साल में ले सकते हो। डू यू वॉन्ट? चाहते हैं आप? Yes. 4 साल की सक्सेस 40 साल में चाहते, 40 साल की सक्सेस 4 साल में चाहते हैं आप? Yes. मैं भी चाहता था, लेकिन मेरे को एक बात यह पसंद नहीं आई कि यार 40 साल का 4 साल में मिलेगा, पैसा कमा लेंगे या ये कमा लेंगे। सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि यार पैसा और सक्सेस तो आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जिंदगी का 36 साल बचा लेंगे जिसको अपनी चॉइस से जिएंगे हम, फिर ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये है। तो इतने सारे मजबूत कारण मेरे पास थे, आपके पास हैं इस काम को करने के, तो बताइए काम को पूरी दमदारी से करना चाहिए, यस या नो? पूरा दम लगा देना चाहिए, यस या नो? अब हम यहां आ गए, हमारा वाई क्लियर हुआ, अब हम चाहते हैं 100% सक्सेस। क्या चाहते हैं? 100% सक्सेस, 100% सक्सेस चाहिए सर, आ तो गए हम। और दुनिया में कहीं भी आदमी हाथ डालता है, हाथ इसलिए डालता है कि पूरा निकालना चाहता है, एम आई राइट या रॉन्ग? यस या नो? पूरा चाहता है, 100% सक्सेस चाहता है। और हमारे यहां भी 100% सक्सेस व्यक्ति आने के पास चाहता है। 100% सक्सेस किस तरह से आपको मिलेगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 90% सक्सेस मिलेगी आपको एक्साइटमेंट से, किससे मिलेगी? एक्साइटमेंट से, जोश से। 8% मिलेगी आपको टेक्निक्स से, कुछ 8 उनसे, और 2% मिलती है फाइन ट्यूनिंग, एक सही तालमेल से।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं 90% सक्सेस की, जो एक्साइटमेंट से मिलती है। ऐसे इतने बड़े लेसन की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। 10 लेसन है, 9 10 नंबर के हैं, एक 90 नंबर का है। ज्यादा लर्न किसको करना चाहिए? 90 नंबर। काम फतेह हो जाएगा एक को तरीके से लर्न कर लिया। यस या नो? तो 90% सक्सेस हमें मिलती है एक्साइटमेंट से, खुश रहने से। क्या है एक्साइटमेंट? किसको समझते हो आप एक्साइटमेंट? चिल्लाना किसी के सामने, दहाड़ना? 10 आदमी आपके सामने बैठे हैं, 500 बैठे हैं, तो चिल्ला चिल्ला के बोलना, दहाड़ दहाड़ के बोलना, मार्केट में किसी को पकड़ के किसी की भी ऐसी तैसी कर देना, इसको एक्साइटमेंट बोलते हैं क्या? ना। चिल्लाना दहाड़ना खुश रहना ये एक्साइटमेंट है। लेकिन अगर ये काम आप लोगों के सामने करें उससे अच्छा है, उसके साथ साथ अगर आप अकेले में भी करते हैं, अगर आप अकेले में भी खुश रह सकते हैं, जब आप कमरे में अकेले हैं, कोई नहीं है, और फिर आप चिल्ला सकते हैं, फिर आप खुश रह सकते हैं, फिर आप एक्साइटेड रह सकते हैं, फिर आप दहाड़ सकते हैं, इसको एक्साइटमेंट बोलते हैं असली वाला, इसको बोलते हैं। वरना दूसरे को दिखाने के लिए तो कोई भी चिल्ला सकता है अकेले में। और इसके बारे में बोला जाता है एक्साइटमेंट हमेशा इंटरनल होना चाहिए। इंटरनल कैसे होना चाहिए? इंटरनल, सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पांच दिन के लिए हम मोटिवेट हैं, छठे दिन अपलाइन को मिलना पड़ रहा है आपसे मोटिवेट करने के लिए। इसका मतलब आप सेल्फ मोटिवेट नहीं है, आपका मोटिवेशन इंटरनल नहीं है। आई एम राइट या रॉन्ग? ये सही है, आपको इंटरनल करना है। आपको क्यों जरूरी एक्साइटमेंट? क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे बोल रहे हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप क्या बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे बोल रहे हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए जरूरी है, यदि आप चाहते हैं लोग आपकी बात माने, तो ढीले लोगों की लोग बात मानते हैं या खुश और एक्साइटेड लोगों की बात मानते हैं? खुश और एक्साइटेड लोगों की लोग बात मानते हैं। ढीले लोग, परेशान लोग, आप किसी के पास जाके बोलते हो कि सर मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूं, सर सामने वाला सोचेगा कि तू निकल ले, जैसी है वैसी भी नहीं रहेगी। नहीं है? किसकी? सर हम जाते हैं, लोग हमारी बात नहीं मानते। अरे तू एक बार ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर खुद से बात कर, तू खुद ही नहीं मानेगा अपनी, देखना तेरे को लगेगा कि साला मेरी बात मैं क्यों मानूं, देख एक बार चेक कर। बातों में दम होगा तभी काम में दम दिखेगा। यस या नो? भाई बात हम ऐसी कर रहे हैं कि यार ये तो परेशान आत्मा है ही, और ऐसी जगह ले जाना चाहता है मुझे कि अपनी ये क्या बनाना चाह रहा है, कंपनी। ऐसा नहीं, काम में दम तभी दिखेगा। हर इंसान एक्साइटेड और खुश व्यक्ति के साथ जिंदगी लगाना पसंद, क्या मानना है आपका? हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीवन में अच्छा चल रहा है, लोग ज्वाइन हो रहे हैं, टीम बन रही है, चेक आ रहे हैं, तो खुश। उस सिचुएशन में तो कोई भी रह सकता है, कोई भी। लेकिन कुछ भी नहीं है, इधर से घर वाले बजा रहे हैं, इधर से मार्केट में लोग बजा रहे हैं, कंपनी चेक नहीं भेज रही, अपलाइन का पीछे से डंडा बराबर है, चारों तरफ से घुटा हुआ है बेचारा। उस सिचुएशन में कोई आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर, यह होना चाहिए। ये एक्साइटमेंट चाहिए। दिखा सकते हैं? Yes. हमेशा खुश रह सकते हैं? एक्साइटेड Yes. रह सकते हैं? Yes. मोटिवेट रह सकते हैं? Yes. 9.5 साल हो गया, एक दिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी परेशान हुआ। क्यों? क्यों? हाँ, अंदर से था, अंदर से, अंदर से वो रहना चाहिए। रह सकते हैं? Yes. रह सकते हैं? Yes. अब हम चलते हैं 8%, 90% यहां क्लियर हुआ, अब चलते हैं 8%। 8% सक्सेस के लिए हमें इन 8 बातों को फॉलो करना है। सबसे पहला ड्रीम, फिर लिस्ट, फिर इनविटेशन, सौदा प्लान, फॉलो 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन। इन 8 बातों को फॉलो करना है। इन 8 बातों से हमें मिलती है सक्सेस। ये वो काम है जो हमें करने हैं, ये हमारे बिजनेस की
हमारे बिजनेस की नेटवर्क मार्केटिंग की धुरी है जिस पे पूरा बिजनेस घूमता है, पूरा बिजनेस घूमता है। तो इन आठ बातों की सबसे पहला स्टेप है जिस पे हम चलते हैं, ड्रीम, ड्रीम, सपना। कौन से